और अब समाचार विस्तार से। सोनभद्र के चपकी कारीडाड़ गांव में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हुआ। सेवा कुंज आश्रम में 16 कमरों के विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही मंच से आदिवासी समागम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं 1999 में इस आश्रम में आ चुका हूँ और उस समय मैं यहाँ लोगों से ये मैंने पूछा कि जंगल में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो आश्रम के लोगों ने बताया कि अगर यहाँ एक भवन बन जाए तो बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इसे देखते हुए मैंने इस स्कूल के लिए पहला भवन बनवाया। वहीं राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से घिरा है और ये बहुत जल्द विकास का हब बनने वाला है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से उन्होंने कहा कि बताएं, हमें जानकारी मिली है कि जिले में कोई शूटिंग रेंज नहीं है, जिसे देखते हुए शूटिंग रेंज के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने और एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात जिले को देने की उन्होंने बात कही। इनका जीवन केवल जनजाति समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। धन योगी बाला साहब देश पांडे जी ऐसे ही समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और लगभग 40 वर्ष पहले देश पांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।